हाय स्टूडेंट्स, आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट 10, सब्जेक्ट मैथ्स, क्लास 10th, इंग्लिश मीडियम में है। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। तो मेनली दो मेथड है आपके चैप्टर 3rd में, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। तीसरा मेथड अभी कट हो गया है सिलेबस से, तो इसमें से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में पढ़ेंगे। चलिए फर्स्ट एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास दो इक्वेशन है, 7x माइनस 15y इक्वल टू 2, इक्वेशन 1 नाम दिया है इसको, और नेक्स्ट है x प्लस 2y इक्वल टू 3, इक्वेशन 2 इसका नाम है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि फर्स्ट स्टेप यह है कि आपको कोई भी एक इक्वेशन लेनी है, उसमें किसी भी एक वेरिएबल का वैल्यू निकालना है। तो जो इक्वेशन ईजी है उसको आप लीजिए। इक्वेशन नंबर 2nd देखिए, इजी है, इसमें x वेरिएबल की वैल्यू निकल सकती है। तो x बराबर हो जाएगा 3 माइनस, ये प्लस का इधर चला जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस 2y, ठीक है। ये सब रीड है, तो हमने ये x वेरिएबल की वैल्यू पुट कर ली और इस इक्वेशन का नाम दे दिया इक्वेशन 3। अब इस x की वैल्यू को आपको इक्वेशन 1 में रखना है, जहां से निकाला है उसमें नहीं रखना, ध्यान रखना है। ये आपने यहां से इस वैल्यू को निकाला था ना, उसमें नहीं रखना, इक्वेशन 1 में रखना है। तो स्टेप नेक्स्ट स्टेप है कि इक्वेशन 1 में हमने इस वैल्यू को पुट किया, तो 7x x की जगह हमारा आ गया 3 माइनस 2y, तो 7 इंटू 3 माइनस 2y माइनस 15y दे ही रखा था यहाँ पे आपको, और इक्वल टू 2 है, क्लियर हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 जा 21 और 7 2 जा 14y, तो माइनस 15y है इक्वल टू 2 है। 14 माइनस 15 29y होता है, तो ये हो जाएगा 21 माइनस 29y इक्वल टू 2, और ये 21 आपका राइट में जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस 19, ठीक है, राइट में, और लेफ्ट में है माइनस 29y, तो y इक्वल टू हो जाएगा माइनस 19 अपॉन माइनस 29, माइनस से माइनस कट डाउन हो गया, y की वैल्यू आ गई। अब जो ये y की वैल्यू आई है, इसको वापस इस इक्वेशन 3rd में रखना है, जहां से हमें x की वैल्यू फाइंड आउट होगी। तो y की जगह हम रखेंगे माइनस 19 अपॉन 29, तो x इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस 2 इंटू 19 अपॉन 29, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 19 जो 38 बाय 2, और इसके नीचे एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा 29, क्रॉस कीजिए 3 9 जो 27, 2 आ गया, 3 2 जो 6 और 2 8, और 38 को 1 से करेंगे मल्टीप्लाई, 38 आ गया। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, 17 में से 8 गया 9 ही आएगा, 7 में से 3 गया 4 आएगा, तो x की वैल्यू आ गई 49 अपॉन 29 एंड y की वैल्यू है 19 अपॉन 19। समझ में आया ये कि किसी भी एक इक्वेशन की वैल्यू में से कोई भी एक वेरिएबल x या y की निकालेंगे और दूसरी इक्वेशन में हम पुट कर देंगे, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो स्टेप्स क्या थे सब्स्टिट्यूशन मेथड के? स्टेप 1 है, पहले तो मार्क करना इक्वेशन 1 2, ठीक है, उसके बाद कोई भी एक वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू निकालेंगे, उसको मार्क करेंगे उस इक्वेशन को 3, ठीक है। अब इस 3 इक्वेशन जो मार्क की है इसको हम उसमें डालेंगे जिससे हमने नहीं निकाला है, हमने ये किया था ना, यानी जो भी इक्वेशन हमने ये 3rd नहीं निकाला उसमें डालेंगे वैल्यू, और इस प्रकार से हम जो भी आंसर आएगा x और y का उसको 3rd में वापस फाइंड आउट कर देंगे, तो x और y यानी दोनों वेरिएबल के आंसर आ जाएंगे। अब इसके बेस पे हम क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, कि कौन से दो मेथड हैं, डैश एंड डैश आर एल्जेब्रिक मेथड, दो मेथड है ना। तो हमने ये पढ़ा था कि सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड है, तो यहां पर आएगा आंसर क्या आएगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड, और यहां आएगा एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। व्हाट आर द वेरिएबल, मतलब व्हाट डू वी सब्स्टिट्यूट इन सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो हम ये स्टेप 1 और 2 इसका आंसर लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये हो सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड आउट करना है x और y की वैल्यू निकालनी है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, यानी जो हमने मेथड सीखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ये, आंसर 3,
टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 21, 3x प्लस 5y इक्वल टू 49। क्लियर हो गया इक्वेशन। सबसे पहला स्टेप क्या था, इक्वेशन के नाम दीजिए, 1 और 2 दे दीजिए। अब जो इजी इक्वेशन है उसको देखते हैं हम, कौन सा इजी लग रहा है हमें, ये लग रहा है ठीक है। इसमें y की टर्म निकाली जा सकती है, तो हम इसको लिखेंगे y इक्वल टू 21 माइनस 2x, ये हो गया इक्वेशन 3। क्योंकि हमने इस y की वैल्यू यहां से निकाली है, तो अब इसको हम कहां पुट करेंगे, 2 में ठीक है। पुट y इक्वल टू 21 माइनस 2x इन इक्वेशन 2, पुट कीजिए वैल्यू, ये पुट कीजिए यहां पे 3x प्लस 5 और y की जगह हो गया 21 माइनस 2x, ब्रैकेट में लिखेंगे इक्वल टू 49। सॉल्व करते हैं इसको, x प्लस 21 फाइव जा 105 माइनस 5 टू जा 10, प्लस माइनस माइनस होता है 10x 49। अब ये भी x का, ये भी x का है, तो 10 में से 3 है क्योंकि प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है, 7 आ गया, ये बड़ी है इसका सिंबल आएगा, तो 3x 10 में से गया तो माइनस 7x आ गया इक्वल टू 49। प्लस का है उधर राइट में जाके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 7x इक्वल टू हटाइए इसे 15 में से 9 गया 6 आ गया, और यहाँ 9 बचेगा, 9 में से 4 गया 5 आएगा क्योंकि ये बड़ी है तो इसका सिंबल आएगा, इससे कट जाएगा, तो x इक्वल टू आ गया 56 अपॉन 7, कितना आया 8 आया ना, x की वैल्यू आ गई 8। क्लियर हो गया। जब x 8 आ गया तो हमें कहाँ पुट करना है, इक्वेशन 3 में, क्योंकि हमें y भी निकालना है ना, तो y इक्वल टू था 21 माइनस 2 इंटू 8 ठीक है। अब इसे ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, तो y इक्वल टू आ गया 21 माइनस 16, तो y इक्वल टू हो गया 5, तो x बराबर 8 है हमारा आंसर और y इक्वल टू 5 है, यही आया ना। चलिए हम इसको चेक कर लेते हैं, पहले आंसर पूरा देख लीजिए, यहाँ से स्टार्ट हुआ है ये, इस तरह से आंसर हमारा आता गया है, x 8 और y 5 है। हम किसी भी इक्वेशन में पुट करते हैं, चलिए इसमें सिंपल इसमें करते हैं, x की जगह 8 रखिए, 8 टू जा 16 और y 5 है, 16 और 5 कितना होता है 21, राइट हैंड साइड में 21 है या लेफ्ट राइट के इक्वल आता है, मीन्स हमारा आंसर ठीक है। अगर चेक करने पे आंसर ठीक नहीं आता है आपका किसी भी इक्वेशन में पुट करने पे, तो आपको दोबारा ट्राई करना है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। और इस तरह से हमने ये वर्कशीट टर्न कर ली है मैथ सब्जेक्ट में। नेक्स्ट वीडियो के लिए टिल देन बाय बाय।